मेरा नाम है मनोज सारू और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर स्मार्टफोन यूजर को जरूर पता होनी चाहिए। अक्सर लोगों को लगता है कि फोटोग्राफी के लिए DSLR की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं कमाल के सेंसर्स के साथ आते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन से ही अमेजिंग फोटोज कैप्चर कर सकते हो। और फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं मोबाइल फोटोग्राफी के लिए टेक्नो का कैमोन 16 प्रीमियर स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं, जो आता है 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ, जो आता है सोनी के IMX686 सेंसर के साथ, जिसमें आपको 48+8 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा दे रखा है। तो चलिए करते हैं अमेजिंग मोबाइल फोटोग्राफी इस फोन के साथ। टिप्स नंबर 1, फोकस द ऑब्जेक्ट एंड एडजस्ट द एक्सपोजर फॉर परफेक्ट ब्राइटनेस लेवल। वेल, कई बार हम सोचते हैं कि जब भी हम कोई फोटो क्लिक करते हैं तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एग्जैक्टली फोकस आए, लेकिन फोटोज क्लिक करने का जब हम देखते हैं और उसे जूम करके देखते हैं तो एक्चुअली में सब्जेक्ट पे फोकस ही नहीं होता। और कई बार स्मार्टफोन से कुछ ऐसे फोटोज भी आ जाते हैं जो अंडर एक्सपोज होते हैं या फिर ओवर एक्सपोज होते हैं, तो इसका सलूशन क्या है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल लेंस को क्लियर करना है कपड़े से, और उसके बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है उस पर टच कर दीजिए, एंड देन ऑब्जेक्ट पे फोकस लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से फोटो एक्सपोजर को आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं और एक बेहतरीन फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। तो इस तरह से दोस्तों आप एक परफेक्ट एक्सपोजर पा सकते हैं। इसके अलावा कई बार हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तो कुछ शेडोज़ और हाईलाइट एरिया पे जो डिटेल्स है ना वो अच्छी नहीं आती, तो इसके लिए भी एक सलूशन है। स्मार्टफोन में आपको एक HDR मोड दिया होता है, यानी कि हाई डायनेमिक रेंज, जिसकी मदद से आप परफेक्ट एक्सपोजर को भी कैप्चर कर सकते हो। और इसमें आपको जो 64 मेगापिक्सल वाला सेंसर दे रखा है ये आपको और ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं जो HDR मोड है वो ऑफ है, तो मैं ऑफ करके फोटोज़ क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी किस तरह की फोटोज आती है। लेकिन अगर आप HDR मोड को यहाँ से जाके यहाँ से ऑन करके अगर आप फोटोज क्लिक करते हो, उसके बाद आप देखना जो डायनेमिक रेंज आएगी वो आपको कमाल की देखने को मिलेगी। यू कैन सी ये जो फोटोज है ये बिना डायनेमिक रेंज की है और ये डायनेमिक रेंज के साथ है। यू कैन सी। टिप्स नंबर 2, बर्स्ट मोड। स्मार्टफोन के कैमरे में एक हिडन फीचर होता है जिसका नाम है बर्स्ट मोड, और इस मोड के बारे में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है। लोगों को लगता है कि एक्शन फोटोज क्लिक करने के लिए आपके पास एक एक्सपेंसिव DSLR होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके स्मार्टफोन में एक बढ़िया प्रोसेसर है, इमेज प्रोसेसिंग अच्छी है, तो आप उससे एक्शन फोटोज भी काफ़ी अच्छी क्लिक कर सकते हैं। तो ये फ़ोन आता है दोस्तों MediaTek Helio G90T प्रोसेसर के साथ। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मदद से आप कैसे एक्शन फोटोज क्लिक कर सकते हो, वो भी अमेजिंग। तो एक्शन फोटोज क्लिक करने के लिए आपको कैमरे के सेटिंग में एक ग्रिड ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, उसे सेंटर पे लाना है, उस पर फोकस कर देना है। उसके बाद आपको शटर स्पीड पे क्लिक करना है, तो ये 20 फोटोज एक साथ क्लिक करेगा बर्स्ट मोड में। बर्स्ट मोड में फोटोज क्लिक करने के बाद आपको गैलरी पे जाना है, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको बर्स्ट 20 फोटोज देखेगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट फोटोज लगता है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टिप्स नंबर 3, नाइट फोटोग्राफी। कई बार लो लाइट होने की वजह से लोग सोचते हैं कि लो लाइट में जो फोटोज़ है वो अच्छी नहीं आएंगी, जो कैमरा स्मार्टफोन है वो अच्छे फोटोज़ क्लिक नहीं कर पाएगा, डिटेलिंग अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। आजकल के स्मार्टफोनों में आपको फोटोग्राफी के लिए, लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आपको डेडिकेटेड नाइट मोड दिया जाता है, तो आपको टेक्नो के कैमोन 16 प्रीमियर में भी आपको डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप लो लाइट में अमेजिंग शॉट्स, अमेजिंग फोटोग्राफी कर सकते हो, वो भी बेहतरीन डिटेलिंग के साथ। तो टेक्नो कैमोन 16 प्रीमियर में आपको टेक्नो का AI विजन ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन दे रखा है, जिसकी मदद से आप लो लाइट में भी अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो लो लाइट जब भी कम लाइट हो वहां पर नाइट मोड का इस्तेमाल करके देखना, आपको डेफिनेटली बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। यू कैन सी सम कैमरा सैंपल जो नाइट मोड को ऑन करके और ऑफ करके ली गई है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। टिप्स नंबर 4, वाइड एंगल एंड मैक्रो कैमरा। वेल, स्मार्टफोन के कैमरे में ये दो लेंस दिए जाते हैं, वाइड एंगल और मैक्रो कैमरा। इनका जो यूज़ है रेयरली बहुत ही कम लोग करते हैं, और कुछ लोगों को तो एक्चुअल में इनका यूज़ ही नहीं पता, बट एक फोटोग्राफी लवर होने के नाते स्मार्टफोन से आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो आपको इन दोनों लेंस का यूज़ पता होना चाहिए, और आपको हमेशा इन दोनों लेंस से अमेजिंग फोटोज़ भी क्लिक करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई नॉर्मल मोड से कोई फोटोज़ क्लिक करते हो, उसके बाद आप उसी चीज़ को
बड़ा करके यानी कि बड़ा दिखाना चाहते हो उस चीज़ को, कोई छोटी सी चीज़ को, कोई मैक्रो चीज़ों को आप बड़ा दिखाना चाहते हो फोटोज़ में, तो ऐसे में आपको कैमरे में डेडिकेटेड मैक्रो मोड दिया जाता है। उसको अगर आप ऑन करके सब्जेक्ट के पास ले जाओगे और उस पर टच करके फोकस करके फोटोज़ क्लिक करोगे तो वही जो छोटी चीज़ है उसे आप बड़ा करके दिखा सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप मैक्रो मोड का इस्तेमाल कर सकते हो कैमरे में। इसके बाद आपको कैमरे में एक और लेंस दिया जाता है, वाइड एंगल लेंस। ये भी बहुत ही यूज़फुल है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही कम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको आप अपने कैमरे से कोई फोटोज़ क्लिक करते हो और उस एरिया में जो एरिया आप ज़्यादा कवर करना चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा नॉर्मल जो कैमरा होता है वो कवर नहीं कर पाता, तो ऐसे में आपको कैमरे में अलग से डेडिकेटेड वाइड एंगल लेंस दिया जाता है जिसकी मदद से अगर आप इसे ऑन करते हो तो ये ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर लेता है। तो आप नॉर्मल फोटोज़ नॉर्मल मोड से जो फोटोज़ क्लिक की गई है वो आप देख सकते हैं और वाइड एंगल फोटोज़ से जो फोटोज़ क्लिक की गई है वो आप देख सकते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। टिप्स नंबर 5, वीडियोग्राफी। आजकल वीडियो बनाना किसको पसंद नहीं है, बहुत से लोग आजकल शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि कोई वीडियो हम बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में अगर बुके इफेक्ट आ जाए, बैकग्राउंड ब्लर आ जाए तो कितना अच्छा लगे। तो टेक्नो के कैमोन 16 प्रीमियर में आपको 4K वीडियो एंड सुपर हाइब्रिड इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिलता है विद EIS एंड AIS और साथ में ये फ़ोन सपोर्ट करता है 960fps स्लो मोशन को। तो हमेशा याद रखना जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट दिखे, बैकग्राउंड ब्लर दिखे, तो आपके फ़ोन के कैमरे में एक पोर्ट्रेट मोड दिया होता है वीडियो के लिए, उस पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो शूट करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है ना दोस्तों वो ब्लर हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है वीडियो के लिए जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड में जो भी बुके इफेक्ट है जो ब्लर है वो दिखाना चाहते हो तो वो आप दिखा सकते हो। तो ये थे दोस्तों 5 अमेजिंग मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर स्मार्टफोन यूज़र को ज़रूर पता होने चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों फोटोग्राफी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है टेक्नो का कैमोन 16 प्रीमियर स्मार्टफोन जो आता है दोस्तों 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ सोनी IMX686 सेंसर के साथ। इसमें दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दे रखा है एंड इसके अलावा दोस्तों फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G90T जैसा एक पावरफुल प्रोसेसर। यस, और इसकी प्राइस है दोस्तों 16999 और यस आप में से एक लकी विनर को दे रहा हूँ मैं यही स्मार्टफोन। वेल, देखा जाता दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो की तरफ से पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पर ये आपको आ रहा है और जैसे आपको ये स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली काबिले तारीफ है। वेल, देखा जाए तो टेक्नो ने कैमोन 16 प्रीमियर स्मार्टफोन में फोटोग्राफी यानी कि कैमरे पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सोनी सेंसर के साथ 48+8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, तो डेफिनेटली ये फोटोग्राफी लवर्स के लिए जो लोग फोटोज काफी ज्यादा क्लिक करते हैं उनको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, 16999 है जो आता है एक पावरफुल स्पेक्स के साथ। सो ये जो स्मार्टफोन है मैं आप में से एक लकी विनर को दे रहा हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और नीचे आपको बस एक कमेंट करना है कुछ भी इस स्मार्टफोन को लेके या फिर वीडियो में फोटोग्राफी को लेके आपको कैसा लगा कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ भी आप एक कमेंट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में ग्लिम का लिंक दिया है, जाइए पार्टिसिपेट कर लीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप में से एक लकी विनर को मैं यही दे रहा हूं। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा के रखना। मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।